नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आगामी 29 जून को बकरीद है और बकरीद को लेकर बकरी और बकरे की बिक्री में जो है तेजी आ गई है। आप मेरे पीछे देखिए कि लोगों की भीड़ जो है बकरी मंडी में उमड़ पड़ी है और सभी लोग बकरियां खरीद रहे हैं। कोई 5 लेके जा रहा है, कोई 10 लेके जा रहा है और कोई दर्जनों लेके जा रहा है। आखिर ये बकरीद क्यों मनाया जाता है और बकरियों की बिक्री में इतनी तेजी क्यों है? तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हम बात करते हैं कि आखिर इस मंडी में कितनी कीमत तक की बकरियां मौजूद है। क्या नाम है बाबा? मोहम्मद अकील अहमद। कितने साल से बकरियों की बिक्री कर रहे हैं? 10 साल से। कितने तक की, कितनी कीमत तक की बकरियां और बकरी यहाँ पे मौजूद है? 1 लाख तक की। 1 लाख तक की आपके पास मौजूद है? नहीं नहीं, मेरे पास 10,000-12,000 का। 10,000-12,000। ये 1 लाख की बकरियां कहाँ दिखती है? गाँव बाहर से आती है। बाहर से आती है, कहाँ से? हिंदुस्तान बीटा से। बीटा से आई है। आप कितने सालों से बकरियों की बिक्री? हम तो 20-25 साल से कर रहे हैं, न्यू मार्केट से कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए बकरीद मनाया क्यों जाता है? ये हुजूर साहेब का जो है ना, ये परवान है और हम मुसलमान जो है ना इनको मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं। तो ये बकरियां ले जाने के बाद क्या की जाती है? कुर्बानी दिया जाता है, जान का सदका निकाला जाता है। जी ऐसा होता है। हम आपको दिखाते हैं कि बकरियां कितनी दाम तक यहां पर मौजूद है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिक्रियों में जो है तेजी आ गई है। तमाम आप 2 बकरियां लेके जा रहे हैं जी। कितने की खरीदी आपने? खरीदे नहीं, बेचे हैं। अच्छा, बेचे। कितने की बेची? 35,000 का। 35,000 की बेची। कैमरामैन जरा इधर दिखाइए, ये 2 बकरियां हैं जिनकी कीमत 35,000 रुपए है। 35,000 की बिक्री कर ली आपने। चलिए और भी लोगों से हम मिलते हैं और बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? नाम एजाज है। ये 2 बकरियां हैं, कितने की है? दोनों 40,000 की। बेच के, बेचने के लिए रखी होगी, खरीद के लिए? के लिए। बेचने के लिए। कितनी कीमत है? 40,000। 40,000। एक बार इसको दिखाइए, ये 40,000 की बकरी जो है मंडी में मौजूद है। 15,000 की। 15,000 की। ये देखिए मैम, 12,000 की। ये 12,000 की है? हाँ, 12,000 की। 12,000 की बकरी है ये, से देखिए। बेच दिया या बेच रहे हो? बेच रहे हैं। बेच रहे हैं अभी? सब आया पटना पोठी से, आया पुनपुन थाना से। अच्छा, कितने साल से बेच रहे हैं आप बकरियां? 12 साल से। 12 साल से बेच रहे हैं। बकरीद क्यों मनाया जाता है? खांसी काट के मीट खाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी में, उनके याद में मनाया जाता है जी। काट के खा जाया जाता है? ना ना, इसी बोल रहे थे। ऐसे देखिए, झारखंड से आए हुए किनने के लिए। अच्छा, आप कहाँ से आए? झारखंड से आए, बोकारो से। झारखंड बोकारो से आए, कैसे? ट्रेन से आए। से लेके जाएंगे बकरी को? नहीं, ट्रक से। ट्रक से लेके जाएंगे। हाँ। कितने सारी बकरियां खरीदेंगे? वही 40-50 को। 40-50 कर देंगे। कितने तक की कीमत की बकरियां चाहिए आपको? 8,000-7,000-6,000। और टोटल बजट कितनी होगी? कितना होगा? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। 1.5 लाख लेके आए हैं और 1 ट्रक बकरियां लेके जाएंगे? 1 ट्रक नहीं ले जाएगा, 30-40 को। 30-40। और करेंगे क्या 30-40 बकरियों के? हम लोग झटका वाला को देते हैं, दुकानदार को। आप लोग भी ले जाके बेच देते हैं? हाँ। मतलब बिक्री अच्छी चलती है? चलता है, थोड़ा बहुत मार्केट के हिसाब से बिकता है। तो ये बकरियां जो है ऐसे तो सामान्य दाम में मिल जाती है हमेशा, जो खसी खाते हैं, जो मीट खाते हैं बेचते हैं। ये देखिए, देखिए कितनी सारी बकरियां जा रही है। देखिए, खरीद लिया आपने? नहीं, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अरे मैडम, मनाप शनाप रेट है और बजट आजकल जो गड़बड़ाया हुआ। कितने तक के बजट लेके आए हैं? बजट 10,000 तक हम लोग लेके आए। 10,000 में तो अच्छा खासी मिलता था। तो 10,000 की बकरियां है, तो मैंने तमाम बकरियां दिखाई। कंट्रोल नहीं ना है, रेट का कंट्रोल नहीं है। अनाप शनाप रेट, जो चीज 10-12 की थी वो 24 बता रहे। बार्गेनिंग का मंडी हो गया है, ये बकरी मंडी नहीं रहा, ये बार्गेनिंग का मंडी हो गया है। बच्चा भी आया साथ में, बकरियां ले जाने आयो? पसंद है बकरियां? बकरी बनता है घर पे? हाँ, बनता है। अच्छा, तो आपको कौन सी बकरी पसंद आई यहाँ पे? यहाँ पे अब तक कोई नहीं। कोई नहीं आई? इतनी सारी बकरियों में कोई पसंद नहीं आई? नहीं, बच्चा को पसंद नहीं आया। वजह बता दो। चलिए और बताते हैं आपको। देखिए, इतनी सारी बकरियां जो है यहाँ पे अब देखिए, ये बकरी मंडी में सबसे खूबसूरत बकरी देखी। कितने की है ये? 50,000 का। वजन कितनी होगी इसकी? 70। कितने में बेचोगे आप? 55। 55,000 में बेचोगे? अभी तक इसकी सेल हुई है या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। कोई लेने आया? आ रहा है लेने। अच्छा, आप लोग यहाँ क्यों आए? खरीदने आए कि बेचने आए? खरीदने आए। खरीदने आए। कितनी की बजट लेके आए? अभी तो मार्केट में फौरन आ रहे हैं, अभी देखते हैं मार्केट क्या है। अभी देख रहे हैं, अभी पसंद कर रहे हैं। बकरीद क्यों मनाई जाती है बताएंगे कुछ? बकरीद हमारे नबी की सुन्नत है, इसलिए मनाई जाती है। आप लोग क्यों आए?
बेचने आए हैं कि खरीदने आए हैं? बेचने बेचने आए हैं। थोड़ा सा करीब आ जाइए। कितने तक की बजट है आपके पास बकरियों की? मेरे 10,000-15,000। 10,000-15,000 छोटा में। डिस्काउंट भी है कि जो दाम है उसी में बेचोगे आप? नहीं, 400-500 हज़ार रुपये बेचे, 1,000 रुपये मिलेगा बेच देंगे। आज इतना ज्यादा दाम क्यों? वैसे तो समान दाम में मिल जाता है 600-700, लेकिन आज इतनी दाम क्यों? मंदा बाजार है। डिस्काउंट अपना बता दीजिए। आप बताइए ना, आप भी तो बेच रहे हैं। हम खसी नहीं ले हैं, खसी लेते तब ना हम बोलते खसी ले हैं। कितने तक की बजट रखा है आपने? 9,000-10,000-12,000 है बस। 9,000। इसकी कीमत कितनी होगी? 13,000। वजन कितना होगा? वजन हो जाएगा 14 kg। और इसकी? 10 kg। 10 kg 10 kilo की है। और ये रेट कितना होगा? इसका दाम हो जाएगा 10,000। 10,000। चलिए देखिए, आपने मैं बकरियों की कीमत आपको दिखा रही थी कि 10,000 से लेके यहाँ तक, यहाँ मुझे पता चला कि 60,000 से लेके 1,00,000 तक की कीमत यहाँ पर रखी गई है। ये मैंने आपको बकरियों की कीमत बताई क्योंकि 29 जून को है बकरीद है, और बकरीद को लेकर बकरी मंडी में जो है भीड़ उमड़ पड़ी है, लोग जो है बकरियाँ खरीदने आ रहे हैं, और यहाँ पर बकरियों की कीमत जो है 10,000 से लेकर 1,00,000 तक है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी जो है बकरियाँ हैं, इसकी कीमत 55,000 रुपए है। जो लेना चाह रहे हैं वो आके ले रहे हैं। डिस्काउंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने बताया है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो आपको भी अगर बकरीद मनाना है और बकरी लेना चाहते हैं तो आप पटना राजा बाजार पुल के नीचे आ सकते हैं और बकरियां खरीद सकते हैं। धन्यवाद ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए। बने रहिएगा मीडिया दर्शन के साथ।